नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा पहली का पाठ 19 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चार चने। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके सरल अर्थ को या सारांश को। इस कविता का नाम है चार चने, और चार चने कविता के रचयिता हैं निरंकार देव सेवक जी। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह क्या करता। कवि कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता, उनमें से एक चना वो क्या करता, तोते को खिलाता, और चना खाते ही तोता क्या करने लगता, टाए टाए गाता और उन्हें बड़ा मजा आता। फिर कवि कहता है कि उसके पास यदि पैसे होते तो वह चार चने लाता, उनमें से एक चना वह घोड़े को खिलाता, इससे घोड़ा उन्हें क्या करता, पीठ पर बिठाता, और उसे क्या होता, पीठ पर बैठने के बाद बड़ा मजा आता। अंत में कवि पुनः कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह चार चने लाता और एक चना क्या करता, चूहे को खिलाता, और चूहा जैसे ही उस चने को खाता तो जो चूहा है उसका दांत क्या हो जाता, टूट जाता, और उसका दांत टूटता तो उन्हें क्या है, बहुत ज्यादा मजा आता। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। इसका प्रसंग है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह क्या है, हमारी पठित पाठ पुस्तक रिमझिम भाग एक से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक है चार चने। इसमें कवि ने यह इच्छा जताई है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह क्या करता। तो इसी की व्याख्या कवि कहता है कि पैसा पास होता तो चार चने लाते, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उन पैसों से क्या करता, चार चने खरीद कर लाता, फिर क्या करता, चार में से एक चना तोते को खिलाता। वो चार चने खरीद कर लाता तो उन चार चनों में से क्या करता, एक चना में तोते को खिला देता, और जैसे ही मैं तोते को चना खिलाता तो तोता क्या है, खुश होकर टाए टाए की आवाज करता, अर्थात टाए टाए कर कर गीत गाता, और जैसे ही वह टाए टाए करके गाता तो मुझे उसको देखकर क्या होता, बहुत ज्यादा आनंद आता। फिर अगली पंक्तियां हैं, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। इसमें कवि कह रहे हैं कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, फिर से क्या करता, चार चने खरीद कर लाता, और उन चार चनों में से मैं क्या करता, एक चना क्या करता, घोड़े को खिला देता, जैसे ही घोड़ा क्या करता, चने को खाता तो वो खुश होकर क्या करता, अपनी पीठ पर मुझे बिठा लेता, और जैसे ही मैं घोड़े की पीठ पर बैठता तो मैं उसकी पीठ पर जैसे ही बैठता तो मुझे क्या होता, उसकी पीठ पर बैठने के बाद बड़ा आनंद आता, अर्थात बहुत ज्यादा खुशी होती और बहुत ज्यादा मजा आता। अगली पंक्तियां हैं, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते,
चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। अब इसमें कभी कहता है कि यदि उसके पास पैसे होते तो वह उन पैसों से क्या करता, चार चने खरीद कर लाता। और चार चने में से क्या करता, एक चना होता वो क्या कर देता, चूहे को खिला देता। और जैसे ही चूहे को चना खिलाता तो चना कैसा होता, कड़क होता, और जो चूहा होता वो छोटा सा होता, उसके दांत भी छोटे छोटे होते हैं। तो कह रहा है जैसे ही चूहा क्या करता उस चने को खाता तो जो चूहा का दांत है वह क्या होता, उससे टूट जाता। और जैसे ही चूहे का दांत टूटता तो मुझे क्या है, बहुत ज्यादा मजा आता या बहुत ज्यादा आनंद आता। अब चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहले चार चने होते तो, यदि मेरे पास चार चने होते तो मैं क्या करता, उसके बारे में प्रश्न है। चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। जैसे माली है, माली को चार चने देते तो इससे क्या करवा सकते हैं। हलवाई को चार चने देकर क्या करवा सकते हैं। दीदी को चार चने देकर क्या करवा सकते हैं। और दोस्त को चार चने देकर क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले माली, चार चने देकर माली से फूल पौधों की देखभाल करवाई जा सकती है। फूल और पौधे की देखभाल कौन करता, माली करता है। तो मैं क्या करता, चार चने देकर उनसे क्या करता, फूल पौधों की देखभाल करवाता। दूसरा है हलवाई, हलवाई को क्या है, चार चने देकर मैं हलवाई से जलेबियां ले सकता हूं। दीदी, चार चने देकर दीदी के साथ खेलने पार्क में जाया जा सकता है। दोस्त, चार चने देकर दोस्त को अपने घर खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। अब है किसने खाया चार चने में से, अर्थात जो चार चने हैं, चार चने में से किसने खाया। जैसे एक चना तोते को खिलाया, दूसरा चना घोड़े को खिलाया, तीसरा चना चूहे को खिलाया। अब है अगला प्रश्न, एक चना बच गया उसे किसे खिलाओगे। अब तुम्हारे पास क्या है, एक चना बच गया है, अब उस चने को तुम किसको खिलाओगे। तो इसमें आएगा, बचे हुए एक चने को मैं अपने पालतू खरगोश को खिलाऊंगा। जो एक चना बचा है मैं किसको खिलाऊंगा, पालतू खरगोश को खिलाऊंगा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।